लगी फिट करी हाय कोई किस्मत वाला किसी को लगी फिट करी कोई किस्मत वाला लाली की शादी में लड्डू हुआ दीवाना लाली की शादी में लड्डू है शादियां करा रहे हो रिश्ता तोड़ने के लिए मुबारक हो एक नालायक बेटे के बाप के बदले एक लायक बेटी का बाप बनने में बहुत खुश हूँ। गणपत जी आपकी बेटी लाली का कन्यादान करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। करो मेरी बेटी की शादी राजकुमार मेरा नालायक बेटा लड्डू आप ही को मुबारक हो। लड्डू की शादी किसी और से कर रहा हूँ। बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी लग रही है, कुंवर साहब और लाली बिटिया की। पंडित जी आपकी गारंटी से हम ये ब्याह करा रहे हैं एक 9 महीने की पैर भारी लड़की से। आप चिंता ना करें, कुंवर साहब की कुंडली में ये लिखा है, एक बार गर्भवती कन्या से विवाह हो गया सब ठीक हो जाएगा। आप अपने बहू की शादी कहीं और करवा रहे हैं, आप अपने दामाद की शादी कहीं और करवा रहे हैं। धरती पर ऐसे लोग नहीं देखे होंगे इन लोगों ने।
एक बार अगर लड्डू वाली बात अंदर खबर फैल गई ना, बारात को मैयत में बदलते देर नहीं लगेगी। लड्डू, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। एक बार ये शादियां हो गई तो हम चारों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ पछताएंगे और वो दोनों भी। वीर, अरे लड्डू आजा आजा आजा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तुम लोग ना अच्छा हो, तुम आ गए। नहीं अरे आजा यार। वीर सुन, तुझे बात करनी है। अभी अकेले बात करनी है। राजकमल जी एक मिनट बैठिए, संभाल के। हाँ लड्डू बात क्या है? सुन तुझे गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा क्यों? तुझे बहुत 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 गुस्सा आएगा वीर। आखिर बात क्या है लड्डू, बता रहा। जिस लड़की की तू तलाश कर रहा है इतने दिन से। कौन सा लड़का? जिसने तेरी होने वाली बीवी को प्रेग्नेंट किया। हाँ वो मैं हूँ। रुक जा लड्डू। अरे लाली की यारी में लड्डू है दीवान। क्या हो क्या रहा है? अरे लड्डू, अरे मैं क्या देखूं? वो भाग रहा है। बड़ा आया था लड्डू की शादी कराने वाला। लड्डू है दीवाना। मानसिंह जी, बाहर का मुख्य द्वार बंद कर दीजिए। उन्हें खुद फैसला कर लेने दीजिए। जब तक ये दोनों चरमुठे वापस नहीं आते और इनका ब्याह नहीं हो जाता, यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलेगा। चाची आप चिंता मत करो, अगर यहाँ से कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा तो हम उसके दोनों पाँव तोड़ कर उसके हाथ में दे देंगे। दादी माँ देखो किसको लाया हूँ। क्या हुआ दादी माँ? भाई साहब ये चलेगी, इनके पांव तो नहीं तोड़े आपने। आपको लगी तो नहीं? नहीं आपको लगी? अभी लगी नहीं, लगा रहा हूं। माँ बाप के साथ धोखेबाजी का इलाज है, गर्लफ्रेंड के साथ धोखेबाजी का इलाज है, लेकिन किसी को अपना दोस्त बना के उसके साथ धोखेबाजी का इलाज नहीं है। अरे वीर, मैं तो सिर्फ अपने मामा और लाली से माफी मांगने के लिए आया था यहाँ पे, तुम तो बीच में मिल गए मुझे। इसीलिए मेरा वफादार बनके मुझे उल्लू बनाता रहा। वीर अच्छी दोस्ती नहीं भाई तूने। वीर कुछ जरूरी थोड़ी है कि कुत्ता ही वफादारी करे। अरे कभी कभी वफादार भी कुत्ता गिरी कर सकता है ना। वीर देख, लाली ने कितनी दफा देखा मुझे तुम्हारे साथ, उसने भी तो नहीं बताया ना मेरे बारे में। तुमने भी हमें नहीं बताया कि ये वही छोकरा है। रानी माँ ऐसी हालत में अब टेंशन दे रही है इसको। तुमने उसे बोला ये हंगामा करने के लिए? हाँ मैंने बोला, आज दिल की सुनी है मैंने, बोल दिया। हटका ही दिया। तो बता क्या है तेरी और लाली की स्टोरी? तो क्या हुआ? मैं इधर बैठी हवा रहा हूँ ना। ए, उसको आगे से पकड़, चेन बल्दी करने का। छोटू वो पॉलिश की डब्बी ला रहे, जल्दी। पापा अगले हफ्ते हम बड़ौदा के निकल रहे हैं, कभी भाई के यहाँ पे कोई ना कोई नौकरी तो मिल जाएगी। अरे ये सब नहीं होगा मुझे। बड़ौदा जाने की क्या जरूरत है, यहाँ अच्छी खासी हमारी साइकिल की दुकान है, वो चलाओ। अरे पापा साइकिल बेच बेच कर कहाँ तक पहुँचेंगे हम जिंदगी में? साइकिल की स्पीड से थोड़ी ना निकालनी है जिंदगी। अरे रॉकेट की तरह आगे चला, रॉकेट की तरह। अरे ये स्कूटर है, रॉकेट नहीं है, धीरे चला। अब तुम ही समझाओ इसे कुछ,
अच्छा खासा घर छोड़ के पराया शहर जाने की क्या जरूरत है? अरे पापा, अगर यही टाटा बिरला मानी सोचते कि अपना शहर छोड़कर कोई पराया शहर जाने की क्या जरूरत है, तो कभी इतना अमीर नहीं बनते, कभी आगे नहीं जाती जिंदगी में। टाटा बिरला अंबानी से क्या मैं कम हूं क्या? अभी आप टाटा बिरला अंबानी से कम हो कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन कम से कम ये हालत तो नहीं है कि ये छेद वाली बनियान पहनो। बताइए ना उसको, खुजा खुजा के छेद कर दिया, दिन भर खुजाते रहते। सच्ची मम्मी आप समझाइए ना बेटा, तू जब पैदा हुआ था ना, जब पहली बार मैंने मेरे हाथों में तुझे लिया था ऐसे गोद में, उसी दिन मैं टाटा बिरला अंबानी सब कुछ बन गया था। याद है अनु, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे थे मैंने, और तेरा नाम भी लड्डू रखा था। बेटा जब तू बाप बनेगा ना, तभी तुझे पता चलेगा कि बाप बनने की खुशी क्या होती है। जाने दीजिए ना उसको, हो सकता है वहां जाके कुछ कर ले। और वैसे उसकी मदद के लिए वो है ना कबीर भाई। हाँ कबीर, वो भी। कब जाना चाहता है? अगले हफ्ते। पापा जा, लेकिन सुन, जरा भी टेंशन मत लेना। कोई भी दिक्कत पड़े, कोई भी तकलीफ हो तो सीधे मेरे पास चले आना। यहां तेरी साइकिल की दुकान मस्त चल रही है। सब गड़बड़ कर दिया, सब टोटल। ये सब आपका किया धरा है ना, तो हम वो भेजते उसे वडोदरा आपके पास, और नहीं ये सब होता तमाशा। इसमें मेरी क्या गलती है भाई? बाल बच्चा आपका नाम रख दिया लड्डू, तो सबको उल्लू बनाएगा ही, मुझे बुद्धू बना के गया है। पहली बार जब मेरे पास आया था तो कह रहा था रॉकेट मोड़ना है। कबीर किचन। जॉर्ज हैरिसन, नॉर्वेजियन रूट। कैसे था वो? हेलो सर, क्या चाहिए आपको? नौकरी। लड्डू लाल। क्या हुआ? अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में तो बड़े मुश्किल से पास हुए हैं भाई साहब। बेटा दो नंबर कम होते ना तो फेल हो गए होते तुम। सर टेबल नंबर दो का बिल, दो कोल्ड कॉफी, दो कैपेचिनो, एक फ्रैपे, तीन मफिन्स, 465। एक मिनट होल्ड करो, कैलकुलेट तो करने दो ना। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मेरी एक परमानेंट कस्टमर है, टेबल नंबर 12 पे बैठती है। तुझे उसके टेबल पर रोज ये रखना है। क्या लिखा है? रिजर्व्ड। हाँ, सोच क्या रहे हो, भारी काम दे दिया क्या? पापा की साइकिल की दुकान पर बैठे बैठे ये सोचता रहता था, साइकिल पर बैठकर कहां तक पहुंचूंगा मैं। भाई जी हमें सीधा रॉकेट पर बैठ के आगे निकल जाना है। साइकिल से कूद के सीधा रॉकेट पे। सबर समझते हो? सबर जी। क्या? पेशेंस। हाँ, रॉकेट से कहां चले जाओगे? अंतरिक्ष पर? सन्नाटा, कोई नहीं है वहां। 12 नंबर रॉकेट से नहीं जाना, नॉर्मल जाना। लाली। करती क्या है? बहुत पैसे वाली है। आपको कैसे मालूम? उस टेबल पर बैठ के लाखों करोड़ों का डील करती है बात करते करते। तू कुछ सोच रहा है क्या? कौन बनेगा करोड़पति?
ना ना मैकेनिक गधा है, मैकेनिक गधा है, मैं बोल रहा हूँ मैकेनिक गधा है। अरे अरे रुको रुको रुको, रुको ना, मैकेनिक गधा है। अरे इस खटारे को बेच डालो, मैं तो बता रहा हूँ इस खटारे को रखना ही नहीं है। इमोशन कुछ होता है? काहे का इमोशन? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जा रही है? जी जी, जाइए। बाय। कैसे बेच दूं यार? गुड इवनिंग। तू कहाँ जा रहा है फिर? शीशे में उतारने। हेलो, मैं लड्डू। अच्छा, रोज अच्छे थे तुम्हारे। आपको कैसे पता कि मैंने रखा? 6 महीने से यहाँ पे आ रही हूँ रोज रोज, कुछ नहीं बदला है। अगर कुछ बदला है ना, तुमने ज्वाइन किया है। अच्छा, एक काम करो। हाँ। तुम दूसरे स्टाफ से बात कर लो, ये जो गलतफहमी है ना, दूर हो जाएगी। अरे, हम में और बाकी के स्टाफ में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, अगर कोई करोड़पति बाप का इकलौता बेटा अपनी सारी धन दौलत सब कुछ छोड़कर यहाँ 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा हो तो उसके अंदर कोई ना कोई बात होगी ना। अच्छा, तू करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है लेकिन यहाँ मैं खुद करोड़पति हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? सॉरी। क्या सॉरी? मना किया था, माना नहीं। पड़ी बारह नंबर टेबल पर रख दो इसे। अरे मैं क्यों जाऊं? दीपक को बोलो जाने के लिए। क्यों क्यों दीपक को बोलूं? तुम जाओ, निकलो। लड़की ने थप्पड़ मारा है, गाल फूल गया है, इसलिए नहीं जाओगी। किसकी होती वहीं बैठे होते। उठाओ ट्रे, जाओ। ब्रेव मैन है यार। चलो पकड़ो। ओह हेलो, हाय। नाम है हमारा, नाम से बुलाइएगा। अरे बहुत जोर से लगी। नहीं, डॉक्टर ने कहा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। डॉक्टर के पास जाना पड़ा, सॉरी। क्या सॉरी? कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड बच गया क्योंकि गुस्सा नहीं आया मुझे? अगर गुस्सा आता ना तो बहुत मार खाता मुझसे। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बॉस है। पापा ने कुछ बोल दिया, बात हमारे दिल पर लग गई और फिर हमने भी घर छोड़ दिया। लेकिन ये फैसला किया कि अपने दम पर खड़े होकर उनसे ज्यादा अमीर बनूंगा मैं। लड्डू, सब कुछ इतना आसान नहीं है। अपने डैडी को सॉरी बोल दो और उनकी कंपनी वापस ज्वाइन कर लो। तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाते हो। क्या हो गया खुद से ही ना जाने क्यों मिलने लगा। तू ही बता जरा मुझको हुआ है क्या, खुद से हुआ हूँ क्यों जुदा। चाहत में तेरी क्यों मिटने लगा हूँ मैं, जिया ना जाए रे पिया। गुस्ताखियाँ बेताब है बेताबियाँ, इस दिल से मिलने लगी नादा है ये नादानियाँ। तू ही इबादत है मेरी इन सांसों की, छोटी सी है ये इल्तजा। करार दे दे तू इस बेकरारी को, बरसा दे इश्क रहनुमा।
कह दूंगा दिल से दिल की ये दास्तां जो तू हो रूबरू चुपके से कह भी दूं उलझा हूं सांसों में कहां चाहत में तेरी क्यों मिटने लगा हूं मैं जिया ना जाए रे पिया कमाल है तो करोड़पति बाप के इकलौते बेटे झूठ के पुलिंदे के साथ तूने शुरू की अपनी लव स्टोरी लाली के साथ हाँ तो फिर और क्या करते तुम्हारी तरह थोड़ी ना मुंह में चांदी का चम्मच डालकर पैदा हुए हैं अरे लोहे के चम्मच पर सिल्वर कोटिंग करनी पड़ती है हमें तो उसी लोहे के चम्मच से मुझे खिलाएगा आगे बढ़ तू नहीं तेरी कहानी आगे बढ़ा एक दिन लाली कैफे पे नहीं आई और अचानक से उसका कॉल आया कि हम दो दिन के लिए दमन जा रहे हैं पता नहीं क्यों अगले दिन उसका बर्थडे था तो मुझे लगा कि हम शायद बर्थडे ट्रिप के लिए जा रहे हैं लेकिन जब मैं मिला उससे वो बहुत परेशान थी लड्डू संदीप से बहुत परेशान हो चुकी हूँ क्यों वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है दो बच्चों का बाप है अपनी बीवी को डिवोर्स देकर मुझसे शादी करना चाहता है कमीना इसी बात पर लड़ाई होगी और कंपनी छोड़ बिल्कुल अच्छा क्या अरे रोज रोज का टेंशन तो खत्म हो तुम्हारा संदीप के आधे से ज्यादा क्लाइंट्स मैंने ही बनाए सिर्फ 50 लाख की जरूरत है ये नया बिजनेस शुरू करने के लिए हाँ तो शुरू करते ना अरे तुम लगाओ 50 लाख बाकी मुझ पर छोड़ 50 लाख लड्डू मेरे पास 50,000 भी नहीं है मैं संदीप के लिए नौकरी करती थी घर कंपनी का है ये गाड़ी भी कंपनी की है ये गाड़ी भी कंपनी की है हाँ मेरा मोबाइल भी कंपनी का है और वो उसका बिल भी कंपनी भरती है और तुमने संदीप से लड़ाई कर ली तुमसे एक हेल्प की जरूरत है बोलो ना अपनी ईगो को छोड़ के अपने पापा से 50 लाख रुपए मांग लो चाहे वो लोन की तरह ले लो हम लौटा देंगे जल्दी मैडम ये कार्ड ब्लॉक है क्या हाँ 3 बार ट्राई किया अरे अब क्या करें पैसे हैं मैडम आप अपनी कार आगे लीजिए पीछे एक और कार है हाँ एक सेकंड प्लीज आप जल्दी कीजिए ना 500 से क्या करेंगे एक सेकंड सर जाइए आगे जाइए अपने डैडी से क्यों नहीं बात करते हो नहीं प्लीज लाली मरवाएगी तो मुझे प्लीज अरे किधर जा रहे हो तू मरवाएगी मुझे अरे सुन तो लो फोन दो अपना दो ना सुन मेरी बात तो सुन लाली मेरी बात तो सुन ओए लाली किसको फोन कर रही है तुम्हारे पापा को ओए लाली नहीं 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 लाली 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 हाँ लड्डू बोल बेटा मैं आपकी बेटी की दोस्त लाली बोल रही हूँ आप कैसे पापा हैं करोड़पति पापा आप वहाँ बैठे ऐश कर रहे हैं और आपका बेटा यहाँ पे 8,000 की नौकरी कर रहा है आपको शर्म नहीं आती कौन करोड़पति करोड़पति कौन है यहाँ कौन बोल रहा है एक सेकंड आप चुप रहिए मेरी बात सुनिए आपकी बेटी को 50 लाख की जरूरत है एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज ही अभी भेज दीजिए 50 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं 50 लाख ये हम आपको 6 महीने में लौटा देंगे ये मेरी गारंटी एक मिनट ये रॉन्ग नंबर लग गया है तुम्हारा आप लड्डू के पापा है ना मैं लड्डू का डैडी हूँ वो राइट है लेकिन ये करोड़पति वाली बात रॉन्ग है मेरी तो साइकिल की शॉप है मैं कहाँ से लाऊंगा 50 लाख हेलो पैसे का क्या हुआ मैडम ये लीजिए मालिक आएगा चाबी आपके पास रखिए वो पैसे भर के गाड़ी लेके जाएगा ओके लाली हेलो हाँ लड्डू अरे भाई किसी लड़की का फोन आया था ये तेरे फोन पर से और 50 लाख की बात कर रही थी 50 लाख मांग रही थी मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है कुछ नहीं पापा वो मजाक कर रही थी मेरी दोस्त है अच्छा दोस्त है मतलब तुमने हमारे लिए बहू ढूंढ निकाली अरे वो है कहाँ की
मतलब माँ बाप कहाँ रहते हैं? बात चलाए उनसे? जी पापा, हम आपसे बात बात करते हैं, प्लीज बाय। कंपनी का फ्लैट छोड़ दिया मैंने, आज रात तेरे घर पे सो रही हूँ, कल सुबह निकल जाऊंगी। करोड़पति बाप का इकलौता बेटा इधर रहता है। जो कुछ भी होना है ठीक से खा लो। ऊपर सोने जा रहा हूँ। इधर ही नीचे सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पापा करोड़पति नहीं है, हम भी ठंडन गोपाल है, मगर इतनी समझ तो है हमें कि एक लड़की की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तुम्हारे साथ अकेले कमरे में सोने के लिए हमारा दिल हमें परमिशन नहीं दे रहा, हम ऊपर जा रहे हैं छत पर सोने। करोड़पति बाप का इकलौता बेटा छत पे सो रहा है। अब हमारे पापा करोड़पति नहीं है तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है, हमारे पापा की गलती है ना। गलती तुम्हारी डैडी की नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम झूठे हो। मैं भी एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। आई एम सॉरी। यही तो प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी। दो कमजोर लोग एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते, कम से कम एक के पास दूसरी की केयर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम भी कोशिश करो अगर कर सकते हो तो। बाय। क्या जरूरत थी लड्डू को ये शादी छोड़कर भागने की? और तुम्हें तो यहाँ ड्रामा करने के लिए बुलाया था ना, तुम्हें क्या जरूरत थी ये अलग तरह का ड्रामा करने की? हाँ हाँ चाचू, मैं तो हुई ड्रामे बस। जब मैं पैदा हुई ना चाचू, तो मेरी माँ मरी, वो मेरी जिंदगी का पहला ड्रामा था। बाबा ने दूसरी शादी की सौतेली माँ, और उसने घर से निकाल दिया, वो एक दूसरा ड्रामा था। मैंने प्यार किया चाचू सिद्धार्थ से, और उसने मुझे धोखा दिया, वो भी एक ड्रामा था। और चाचू आपने भी तो मुझे ड्रामा ही करने के लिए बुलाया ना। पर आज जो मैंने किया बिल्कुल सही किया। परमिशन? थैंक्स। वाह बेटा, इसको भी सिखा दिया पीने को, तुम तो छोड़ोगे नहीं। छोड़ के क्या करूं? हाँ बहुत सही, छोड़ के क्या करूं। लाली छोड़ के भाग गई इसी शराब के चक्कर में, और तुम दुल्हन बनी हो, चलो इलायची खाओ, चलो।
शराब पीने बैठ गए सब। मैं बंद करती हूँ। मेरी जहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी। राधिका ग्लास लेके आओ। बस कीजिए, खाना खा लीजिए। अरे खाना भी कोई पीने की चीज होती है? ग्लास लेके आओ, पानी, थोड़ा सा नमकीन और आइस। आप खाना खाइए और सो जाइए। तुझे समझ में नहीं आती है एक बार में बात? हाँ, तुझे एक बार बोला ग्लास लेके आ, इसके साथ लेके आ जा। मैं खाना गर्म कर रही हूँ। तुझे बताऊँ मैं ज्यादा चर्बी चढ़ गई? पापा बस। बस नहीं तो क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? हाँ क्या करें, आप बड़ी हो गई है, कुछ तो लिहाज कीजिए। इसको मैंने बोला था बड़े होने के लिए? मैंने बोला था तेरे को बड़े होने के लिए? क्यों बड़ी हुई तू? किस लिए बड़ी हुई? माँ खाना लगा दीजिए, पापा अभी खाएंगे। ये खिलाएगी मुझे? मैं मारो मत, माँ जैसी नहीं हूं मैं। एक दिन घर छोड़ के चली जाने वाली हूं। ड्रामा करते करते मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस ड्रामे में फंसती जा रही हूं। अब लड्डू देखती हूं ना तो लड्डू की बहुत याद आती। तुम अपनी कहानी बताओ। मुझे लड्डू ने अपनी कहानी बताई है। लाली अपने डैडी से रिश्ता तोड़ घर छोड़ चुकी थी, वो एक नई नौकरी करने लगी, और फिर मैं भी कभी रोहिजान का कैफे छोड़कर उनका स्कूटर उधार लेकर लाली के साथ उस ऑफिस में काम करने लगा। तो इसका मतलब तुम लोग सेटल हो गए और तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है ना? नहीं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो कंपनी का बॉस मनदीप सिंह खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जी आपका नाम? जी लड्डू। लड्डू कोई बेटर नाम नहीं मिला तुमको। जी अब जो काम हमने नहीं किया है उसके जिम्मेदार हम थोड़ी हैं। अच्छा लेकिन जो काम तुम यहां करोगे उसके जिम्मेदार तुम रहोगे। वन मिस्टेक एंड यू आर आउट फ्रॉम दिस ऑफिस। अच्छा करोगे तो जितना सोचा नहीं उससे भी ज्यादा ऊपर जाओगे। ठीक है तुम ये मैनुअल पढ़ो और ये बताओ कि तुम 2+2=22 कैसे करते हो। ठीक है बाहर जाकर। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट नाइट पार्टी वॉज क्रेजी हाँ लाली? हे बॉय गुड जॉब, रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू। जरा आएंगे? तुमने वो हैंडीक्राफ्ट वाला सजेशन भेजा था ना, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। हमारी कंपनी के ब्रांड के साथ 2+2=22 नहीं बल्कि 44 हो जाएगा, भेज देना मैं उसे टैग लगा दूंगा। और सुनो जी तुम एमपी जाने के लिए एक दो दिन में तैयारी करो। राइट ओके ओके। तो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, लाली के साथ डिस्कस कर रहे थे और हम दोनों निकल जाते हैं मध्य प्रदेश। लाली क्यों, तुम अकेले जाओ, लाली मेरे साथ रहेगी मेरी हेल्प करने के लिए। कम ऑन बॉय व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और सुनो ये 50,000 रुपीज इस सजेशन के लिए और लड्डू तुम मेरे साथ रहो और देखो जिंदगी में तुम्हें कैसे धीरे धीरे मैं ऊंचाइयों तक पहुंचाता रहता हूँ। यू नो बट ओनली वन थिंग रिमेम्बर जी, मेरा दिल कभी नहीं दुखाना। चीयर्स बड़ी। लाली ये मनदीप के बिजनेस प्लान्स क्या है यार, मैं बोल रहा हूँ इसके साथ ना 2+2=22 नहीं 44 होने वाला है। लेकिन लड्डू मुझे नहीं लगता कि मैं ये जॉब ज्यादा दिन तक कर पाऊंगी। क्यों? मनदीप कभी कंधे पे हाथ रखता है कभी मेरी बैक पे, जरूरत से ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट लाइक इट यार। लाली मनदीप वो याद नहीं जिसको मैं पता नहीं कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ। थोड़ी दिनों की बात है यार,
जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। ये तो बस छोटे लेवल की कॉम्प्रोमाइज है, अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में तो करना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चलो मदद तो करो मेरी। आज 50,000 दिया है उसने बोनस। आगे आगे देखो कितना ऊपर तक जाता हूं मैं, बस तुम पीछे पीछे रहो। ये लो पानी पियो। अरे एक बात बोलो, तुम्हें गुस्सा बड़ा आता है यार। गुस्से में तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, गुस्से में तुमने अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी, और अब भी गुस्से में ये नौकरी छोड़ने को बोल रहे हो। देखो लाली, मंदीप एक चालाक बिजनेसमैन है और मैं उसका फायदा उठाना चाहता हूँ, बस इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। लाली मैं जानता हूँ कि तुम एक फाइटर हो, बस थोड़ी और देर के लिए पेशेंस रखना है, बस प्लीज। आई कांट टॉलरेट नॉनसेंस, दैट्स ऑल। ये क्या है? खोल के तो देखो। हाउ ब्यूटीफुल, सारी पैसे इसमें ही खर्च कर दिए? नहीं, 49,600 का था, बाकी के 400 ये रहे। कैसा लड़का है तू, अपने लिए नया स्कूटर खरीद सकता था। सुनो ना, हाँ? अभी तुम भी किसी बहाने मनदीप से छुट्टी ले लो और हम दोनों निकल जाते हैं मध्य प्रदेश, लेकिन मनदीप के काम से नहीं, तो फिर हमारे मम्मी पापा से मिलने और वहां से सीधा कश्मीर। नमस्ते, कैसे हो आप? जल्दी चलिए ना, वो तो ना आ गए। अरे वाह, आ गया। ये देखो लड्डू, कोट वोट चढ़ा गया है। कैसे हो आप? कैसा है तू? हमारी मम्मी पापा। हाँ, जीते रहो बेटी, जीते रहो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बहुत प्यारी है। यही प्यारी लड़की ने मुझे फोन पे डांटा था। सॉरी पापा, गलती हो गई थी। अरे भाई, ऐसी गलती तो बार बार करनी चाहिए। अगर तुम ये गलती ना करती तो मैं लड्डू के पीछे ना पड़ता, और अगर मैं लड्डू के पीछे ना पड़ता तो वो तुम्हें यहाँ हमें मिलवाने के लिए नहीं ले आता। अच्छा, मैं जानता हूँ इसे। ये देखो, तुम्हारी माँ ने तो क्या बनठन के साड़ी बाड़ी बदल दी है। लड्डू आएगा, लड्डू आएगा। आओ बेटा। लड्डू, तू मेरे लिए बहुत खूबसूरत बहू लेकर आया है। ये तुम्हारे लिए बेटा। इसकी क्या जरूरत है माँ? जरूरत है, जब मेरी सास ने मुझे पहली बार देखा था ना, तो उन्होंने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। बेटा, अब तुम इस घर की हुई और लड्डू पराया। अब वो तुम्हारा हुआ। दोनों की इतनी अच्छी नौकरियां लग गई है, तो जल्दी से धूम धड़ाके से शादी कर लो। फिर क्या है, मैं मेरी साइकिल की दुकान बेच दूंगा और हम दोनों तुम्हारे पास वडोदरा रहने आ जाएंगे, है ना? हाँ बेटा। लो लड्डू खाओ, बहू का भी मुंह मीठा करवाओ। को जोड़ जाएगा यहाँ, मैंने सोचा न था मुड़ ये आएगा यहाँ, ऐसे धागों से मुझको जोड़ जाएगा यहाँ। लाख मैं मनाऊं लेकिन मेरी कहाँ सुनता है, दिन में ही बैठे बैठे ख्वाब कई भूलता है, झूठा दिलासा देके जान ले गया, रोग जाने कैसा ये अनोखा दे गया, मुझ में ही रह के दिल ये धोखा दे गया। जाने कैसी मुश्किल है ये, कोई तो मुझको बतलाए, हर घड़ी अब तू ही नजर आए। हो जाने कैसा मंजर है ये,
ख्वाहिशें मुझको भरमाए, मेरे कदमों को यूं बहकाए। ये कैसी राहों पे मैं चल रहा, ओ मुझको न मेरा पता चल रहा। रोग जाने कैसा ये अनोखा दे गया, मुझ में ही रह के दिल ये धोखा दे गया। अब तेरी बाहों में ये सारा जहां है मंजिल, यही है जब तू दरमियां है। हो मेरे अरमां मेरे बस में नहीं है, जाने अब कैसी ये सरगर्मियां है। कैसा ये अनोखा दे गया, मुझ में ही रह के दिल ये धोखा दे गया। मैंने सोचा न था मुड़ ये आएगा यहाँ, ऐसे धागों से मुझको जोड़ जाएगा यहाँ। मैंने सोचा न था मुड़ ये आएगा यहाँ, ऐसे धागों से मुझको ये अनोखा दे गया। मुझ में ही रह के दे ये धोखा दे गया, मुझ में ही रह के दिल ये धोखा दे गया, मुझ में ही रह के दे ये धोखा दे गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कल गायनाक के पास चलते हैं। इतने हैरान क्यों लड्डू? $1800? ये तो ललितपुर में 200 रुपए में मिलता है। ये जो प्राइस टैग्स आपने लगाए हैं, ये इतने में बिकेगा क्या? कम पड़ जाएगा। लड्डू एक बात याद रखना, चीजें नहीं ब्रांड बिकता है। जब एक इंटेलिजेंट और एक जीनियस मिल चुके हैं तो इमेजिन क्या होने वाला है और मैं क्या क्या बेचूंगा, किन कीमतों पर, जस्ट इमेजिन। मनदीप को पता चलेगा तो? 2-3 महीने के लिए किसी को पता नहीं चलेगा। तब तक जो कुछ भी करना है कर लो। 2-3 महीने में क्या होगा लाली? यार तुम समझती क्यों नहीं हो, मनदीप अपने लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सीधा लॉटरी टिकट। अभी तो अपनी गाड़ी चलनी शुरू हुई है और तुम ये टिकट को फाड़कर यहाँ पे ही घर बसाना चाहती हो, बीच सड़क पे। ये क्या कर दिया तुमने लाली? मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। देखो लाली, एक काम करते हैं, चुपचाप जाके अबॉर्शन करा लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? तुम शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई हो, अगर लोगों को पता चलेगा ना इसके बारे में तो तुम्हें पता है ना, तुम शक्ल नहीं दिखा पाओगे किसी को घर के बाहर, जहां पे भी जाओगे बदनाम हो जाओगे। मैं ये अबॉर्शन नहीं करूंगी लाली। मैं थप्पड़ खाने वाली लड़की नहीं हूं।
आए वो दोनों? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। नहीं, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं लाली, मैं भी एक हूँ तो इंसान, एक छोटा सा दिल है मेरे पास। इतना सारा ड्रामा कर लिया ना, और ड्रामा करते करते लड्डू से प्यार हो गया, पर सी तुम एक प्रैक्टिकल लड़की हो, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब लड्डू से शादी नहीं करूंगी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराब ये दिल खो गए। What is this, sweetheart? ए, stop calling me sweetheart. तेरी जबान रबर की तरह खींच के बाहर निकाल दूंगी। क्या घूर रहा है? घूरना बंद कर, नहीं तो आंखें भी निकाल दूंगी। और ये गाने ना आपके, bullshit. You sound like a donkey. You know what? You in this office? Bye bye. लाली, अरे लाली, but what happened? लाली, क्या हुआ? She resigned. क्यों? I don't know. You know? मंदीप सर, yeah? She is pregnant. मैंने कुछ नहीं किया उसको. I didn't touch her. Then how? मैंने किया. Okay. 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 So this is the matter. Shit. और मैं लड्डू, अब तुम मेरे साथ नौकरी नहीं करोगे। नहीं, तुम मेरे साथ नौकरी नहीं करोगे। I'm sorry. आज से तुम मेरे पार्टनर बन चुके हो। विल वर्क एज अ पार्टनर। लड्डू, तुम्हारे साथ ये पहली बार हुआ है, मेरे साथ ये कई बार हो चुका है, यू नो दैट। और लाली की बात है, लाली इज आउट फ्रॉम माई सिस्टम, तुम भी उसे भूल जाओ। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन 2+2=22 कैसे करते हैं, ठीक है? कंपनी को लाली की नहीं, तुम्हारी जरूरत है लड्डू, यू नो दैट। आई नीड यू बॉय। तुम सामान लाओ, मैं टैग लगाता हूँ। कंपनी का गेस्ट हाउस, कार सब तुम्हारी, सो रॉक माय बॉय। ये लो आ गए। अरे देखा लड्डू की माँ, वाह 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 बेटे, तो सचमुच बन गया टाटा बिरला अंबानी, है ना? कितना बड़ा है ना। जाओ टाटा की माँ, ये बिरला के बाप के लिए एक गर्मा गर्म चाय बना के लाओ। ठीक है, अभी लाई। वाह वाह बेटे, बहुत आलीशान मकान है। अच्छा सुन, मेरी बहू कहाँ है? जल्दी से बुलाओ उसे, कल ही बुला लो, शादी की तारीख पक्की कर देते हैं, हैं? लड्डू, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल से पूछ रहा हूं तुझसे लाली के बारे में, तू कुछ बता नहीं रहा है। कहाँ है लाली? अरे बेटा तुम आओ, बेटा अंदर आओ। माँ, एक बार अंदर आऊंगी तो बाहर नहीं जाऊंगी। एक बार लड्डू से पूछिए कि मुझे अंदर आना है कि नहीं। क्या हुआ, क्या बात है? लड्डू ने आपसे कुछ बताया नहीं? अरे मैं तो कब से पूछे जा रहा हूं इससे, वो कुछ नहीं बता रहा, तुम बता दो। मैं प्रेग्नेंट हूं। लड्डू को ये बच्चा नहीं चाहिए, और मुझे अबॉर्शन नहीं करना है। आओ बेटा अंदर आओ, आओ बेटा। माँ, आप पहले लड्डू से बात कर लीजिए। लड्डू से क्या बात कर रही, मैं उसका बाप हूं ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं अंदर आओ। पापा, शादी से पहले मुझे बहुत कुछ करना है, मुझसे गलती हो गई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा करियर बर्बाद कर लूं। अरे मुझसे अभी शादी नहीं होगी। शादी से पहले ही आप बहुत कुछ कर चुके हैं बरखुरदार, अब दो दिन में शादी हो जानी चाहिए, तेरा करियर गया भाड़ में। कहां जा रहे हैं तुम? लड्डू, पापा आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं। आप प्लीज हमारे मामले में दखलंदाजी मत कीजिए, नहीं तो आपको रहना यहां पे तो रहिए, नहीं तो चले जाइए ललितपुर। जिंदगी भर तू मेरे घर में रहा, पढ़ा पला, इन सब के काबिल हुआ, और आज मैं तेरे घर दो दिन रहने के आया,
तू मुझसे कह रहा है कि रहना है तो रहिए, वरना चले जाइए ललितपुर। बाबा लड्डू हाथ नीचे रखिए, हाथ किसी का भी उठ सकता है। रुक, आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं, आज के बाद लाली मेरी बेटी है। सामान बांधो अनु, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लाली के पिताजी से मैं बात करूंगा। चलो बेटी, पाप इसने किया, अब प्रायश्चित मैं करूंगा। फिर देख, क्या दिख रहा है? तीन खूबसूरत तारे। तारे नहीं, एक मेरे बाऊजी हैं, एक मेरी माँ है और एक प्रिया, प्रिया जिससे मेरी शादी होने वाली थी। जब मुझे इनसे बात करनी होती है ना, तो मैं यहीं आ जाता हूँ और घंटों इनसे बातें करता रहता हूँ। पर तेरे माँ बाऊजी और प्रिया तो तेरे पास हैं, तुझे उनकी कदर नहीं हुई। वीर बेटा, तुम्हारी माँ बाबूजी और प्रिया के देहांत के बाद हम बहुत डर गए हैं। आपकी शादी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है, और ये रामनगर की रियासत जिसको हमारे पुरखों ने 350 साल संभाला है, वो भी एक जिम्मेदारी है बेटा। पंडित जनार्दन का कहना है कि अगर आपकी शादी एक गर्भवती लड़की से कर दी जाए तो आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। कुंवर साहब, मैंने कई कन्याओं से आपकी कुंडली मिलाई है, मगर इस गर्भवती कन्या के साथ आपका रिश्ता आपके वंश के लिए और रामनगर रियासत के लिए अत्यंत शुभ है। बेटा, उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है, अगर आप इस शादी में हामी भर दें तो उस बेचारी की जिंदगी भी सुधर जाएगी। रानी मां, आपकी ऐसी कोई बात है जो मैंने ना मानी हो? आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, लेकिन बस एक बार मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं। संभल के बेटा। नमस्ते। नमस्ते। वीर हमारे इकलौते वारिस हैं, इनके पीछे पूरा रामनगर है। हमारे बाद कोई तो होना चाहिए जो राजकुंवर को और रामनगर को संभाले। कुंवर साहब, आप लाली बिटिया को रामनगर रियासत क्यों नहीं दिखा देते? हाँ, ये ठीक रहेगा। क्यों नहीं? जी। थैंक यू। मेरे बुलाने पर आप आ गई। थैंक यू। वेलकम। मैं आपको डॉक्टर सक्सेना से मिलाना चाहता हूँ। शी इज वेरी गुड गायनेक। एक मिनट, यू हैव टू बी केयरफुल।
8 मंथ है आपका। डॉक्टर सक्सेना से मेरी बात हुई है, वो हर तीसरे दिन आपको देखने आएगी। थैंक यू। मैं दिल्ली गया था तो कुछ पसंद आ गया, आपके लिए ले लिया। आई होप आपको पसंद आएगा। लाली, आप हमारे बारे में जो भी जानना चाहती हैं पूछ सकती हैं। आप जानना नहीं चाहते मेरी कहानी क्या है? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि आपकी कहानी क्या है। सिर्फ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जो भी डिसीजन लें दिल से लें और मन से लें। आइए लाली, मैं आपको अपने दोस्त से मिलाता हूं, संभाल के। स्टैलियन, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में पहले कोई थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था। शादी होने वाली थी और शादी के एक हफ्ते पहले मां बाबूजी और प्रिया एक एक्सीडेंट में अकेला रह गया अपनी रानी माँ के साथ। सॉरी। पता है लाली, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगा। स्टैलियन से मैं दिल से प्यार करता हूँ। प्यार दिल से हो तो अच्छा है, और अगर इसमें वक्त लगता है तो ऐसा इंतजार अच्छा है। पता नहीं क्यों, जब मैंने पहली बार लाली को देखा, देखती अच्छी लगने लगी। बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि उन खूबसूरत आंखों के पीछे कोई ना कोई ट्रेजिक कहानी जरूर है। You know what I do? I'm a great businessman. You know that? और तुमने ही मेरे क्लाइंट को तोड़ने की कोशिश की। तुम पर डाउट हुआ तो मैंने तुम्हारे ही अकाउंट को हैक किया और उसके बाद मुझे ये सब कुछ सामने आ गया। Get up, boy, get up! अरे जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के नहीं हो सके थे तुम मेरे क्या हो गए? Get up, get up! देखिए देखिए, अंडरस्टैंड, जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम आउट फ्रॉम हियर, आउट। बोला था ना मेरा दिल नहीं दुखाना। तुमने कंपनी को हार्म पहुंचाया तो मैंने पुलिस को कंप्लेन कर दी और पुलिस आ रही होगी। नाउ यू विल गो बिहाइंड बार्स। हे लड्डू, स्टॉप। की 7:30 में तो ये सब तय है। क्या 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 क्या? अरे यही कोर्ट कचहरी आजीवन कारावास। लेकिन मेरा लड्डू है कहाँ? उसने खाना भी नहीं खाया। भाभी जी, वो दर दर के ढोकले खा रहा है। हा? आप चिंता मत करो। तुझे कैसे पता? व्हाट्सएप पे भेजा था। ढोकला नहीं, ओहो भाभी जी, व्हाट्सएप पे उसने कहा था मैं ठीक हूँ, सेट हूँ, नॉर्मल हूँ।
बॉस ने धक्के मारकर ऑफिस से बाहर भगा दिया। माँ बाप पहचानने से इनकार कर रहे हैं और लाली की शादी कहीं और होने वाली है। एक बात पूछूं, प्यार करते हो लाली से? अपनी जान से भी ज्यादा। बस जान लगा देंगे, उसको ले आएंगे। एक ही दरवाजा है जो तुम्हारे इस रिश्ते को बचा सकता है। कौन सा? लाली के मम्मी पापा। अरे यार, वो तो मुझे जिंदा काट देंगे। वाह, एंटीक घर, एकदम एंटीक। वाह वाह, उतरिए। कितना डेवलप हो गया ना सब कुछ, इलाका बड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। पुराने घरों में एक बात अच्छी होती है। क्या? कुर्सी। बाहर से आओ। अरे भाई जी, आप तो पहुंचते ही बैठ गए, ऊपर तो चले यार। मैं क्यों? तुम्हें इज्जत से खड़े रहो। मैं क्यों ऊपर जाऊंगा? अकेले नहीं जा सकता। अकेले नहीं मतलब ससुराल है तुम्हारा, हम लोग बारात बन के आएंगे। हाँ। पहले तुम ही जाओगे, ठीक है? जाओ, ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, ऊपर से कोई भी टेंशन हो, सीटी बजा देना। जाओ। सुनो, एक मिनट, नमस्ते करो। नमस्ते। देखो शांति मिलेगी। चला गया। नमस्ते मामी जी। नमस्ते। राधिका, कौन आया है? नमस्ते मामी जी, मैं लड्डू, लाली का बॉयफ्रेंड, चरण स्पर्श। कैसे आप? बढ़िया घर है। क्या बात है, बिल्कुल लाली जैसे बताया था, बिल्कुल वैसा ही है। ये तो लाली की तस्वीर है। आपने किसी दी? दरवाजा बंद कर। अब अंदर का दरवाजा बंद कर। मम्मी जी, चाय में शक्कर थोड़ा सा कम। हाँ, बड़े दिनों से सोच रहा था आपसे आके मिलने के लिए, आज फाइनली मौका मिला। और बाबा बाकी सब? हे भगवान, कुछ कर मालिक। पापा, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। और मुझे तेरी धुलाई करनी थी। लेकिन धुलाई के बाद तो तू बात करने लायक रहेगा नहीं। हाँ, तो चल बता, बता क्या बात है। देखिए देखिए, मुझसे गलती हो गई, मगर मैं गलत आदमी नहीं हूँ। गलत आदमी नहीं है? तूने मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा, नारी द्रोही कहीं के। अरे वो तो भला हो तेरे माँ बाप का, जो उन्होंने एक असहाय दुखियारी निर्बल अबला का साथ दिया। अबला, निर्बल, असहाय, दुखिया, अरे यही सब मिल जाएगी आप लोग औरतों के लिए। मर्द जैसे मजबूत सक्षम और हिम्मत ही होते हैं, वैसे औरत भी मजबूत सक्षम और हिम्मत ही होती है। ये आप जैसे मर्दों की सोच है जो उन्हें निर्बल असहाय अबला समझते हैं। तेरी तो मैं। राधिका, राधिका बाहर जाओ। राधिका बाहर चली गई। राधिका अंदर जाओ। राधिका अंदर चली गई। राधिका दरवाजा बंद करो। राधिका ने दरवाजा बंद कर दिया। अरे ये क्या हालत बना रखी अपनी राधिका की, और कब से ये जा रहे हैं? 25 सालों से। 25 सालों से, और आप मुझे नारी थोड़ी कह रहे हैं? अरे लाली भी ऐसा मटर डालती है तो मैं ऑमलेट बनाता हूँ, लाली स्कूटर चलाती है तो मैं उसके पीछे बैग लेके बैठता हूँ। ऐसे होते हैं आजकल के रिश्ते, और आप मुझे नारी थोड़ी कह रहे हैं? मम्मी जी कुछ समझाइए ना। आप सुनिए ना मेरी बात। चले मैं बताता हूँ तुझे। रुक जाओ, मैं कह रही हूँ रुको। क्या कर रही है तू? क्या कर रही हो मैं? गए 25 साल से तुम क्या कर रहे हो? राधिका यहाँ जाओ, राधिका वहाँ जाओ, राधिका ये करो, राधिका वो करो। अगर आगे से हाथ उठाए ना तो हाथ तोड़ कर रख दूंगी। हाँ बस चुप बैठो। तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो। मैं चुप नहीं कर रहा। बिल्कुल चुप। सीटी बज गई तो भागना। फिर देखो, फिर तुम्हारे चक्कर में दाल चल गई मेरी। अरे भाभी जी नमस्कार, और किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। छेद पे छेद, छेद पे छेद। ये छेद करने वाला गुंडा लेके आया है? नहीं नहीं, ये गुंडे लोग नहीं है, मेरे दोस्त लोग हैं। ये ऐसे दोस्त है तुम्हारे? अरे उम्र वाले दोस्त नहीं है भाभी जी, कॉफी वाले दोस्त है। और कॉफी वाले दोस्त के रहते भाई, अगर भाई जी आप प्लीज 2 मिनट के लिए रुक जाइए, मुझे बात तो करने दीजिए। देखिए मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं, आप सही हो, मगर मैं लाली से बहुत प्यार करता हूं और उसके बिना नहीं रह सकता। अब मैं बोल लूं, बड़े भाई इसने जितनी भी गलती की ना, सब की सजा आप इसको दे दीजिए। इसी के पश्चात आपके लिए वो आया, एक बार माफ कर दीजिए। इसके बाप ने इसको जिंदगी से निकाल दिया, एक बार, बस एक बार आप लोग इसके माँ बाप बन जाइए। एक बार मेरे कस्टमर लाली से इसकी शादी करके तो देखिए, एक बार कर दीजिए ना सर। सर कभी नहीं। Thank you.
सॉरी मैम। गायत्री। सॉरी, किस बात पे? रानी माँ। रानी माँ। रानी माँ। हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि गेट खुलवा दीजिए तो देख के आ जाए लड्डू कैसा है, कहीं कुंवर साहब ने उसकी। भैया भाई, गुड मॉर्निंग लड्डू। लड्डू बेटा उठो, चाय लाई हूँ। अरे मम्मी जी, यहाँ चाय रखिए, अपने दोस्तों को भी पिला देना। जी मैं करूं? थैंक यू बेटा। मेंशन नॉट। आज हलवा खिलाती हूँ तुम लोगों को, सबका मूड मीठा मीठा हो जाएगा। मैं बहुत टेस्टी हलवा बनाती हूँ, खाने वाले उंगलियां चाटने लगते हैं। अरे एक मिनट है, मम्मी का फोन है, आधा घंटा लगेगा, गैस बंद कर देना। जी हाँ मम्मी। हाँ नहीं, बस हलवा बना रही थी। मम्मी मुझे हलवा बनाना है, रात को फोन करती हूँ। बाय। अरे आप क्या बंदर नहीं आते? आते हैं कभी कभी। वाह 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 वा। राधिका बहुत दिनों बाद इतना अच्छा हलवा बनाया तुमने, बहुत दिनों बाद। आज हलवा मैंने नहीं, लड्डू ने बनाया है। लड्डू ने? ये हलवा भी बना लेता है? अरे मुझे लगा सिर्फ बेवकूफ बनाता है। शादी के बाद भी बनाएगा, बीबी को खिलाएगा। क्यों नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। रोज खिलाएगा? रोज मतलब जो भी घर पे पहले आएगा वही खाना बनाएगा ना, लड़का हो या लड़की। हाथ कैसे लगाया तूने इसे? हाथ कैसे लगाया इसे? हाथ नहीं लगा रहा हूं, साफ कर रहा हूं। नीचे उतर, नीचे उतर। छूना नहीं इसको दोबारा, मेरी बेटी है समझा? हाँ हाँ, तो प्यार करता हूं उसे, खा नहीं जाऊंगा मैं। पंडित जी का कहना है कि शादी में बिल्कुल देरी ना करें। हम तो तैयार है रानी माँ, बस एक बार लाली की आंखों में पूरी तरह हामी देख लूं तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। शायद तुम्हारी हामी से उसका चेहरा खिल जाए। अच्छा? आई है, आंगन में है। मैं अभी आता हूं। लाली, आप ठीक तो है ना? एक नन्ही सी जान है आपके अंदर जो आपको मम्मी मम्मी बुलाता होगा, उसे जरा भी तकलीफ ना हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ये जानते हुए कि आप मेरे बच्चे के फादर नहीं है। फादर का रिश्ता क्या है, एक विश्वासी तो है, सच्चाई तो माँ के रिश्ते में होती है। आपको पता है लाली, पंडित जी और रानी माँ चाहते हैं कि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन आप जो भी डिसीजन लें, जब भी लें, हमारे सर माथे। आप खुश तो मैं भी खुश। आप
मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि मैं कहीं ना कहीं आपसे दिल से प्यार करने लगा हूं। आप अच्छी लगती हैं मुझे। मुझ में ही कोई हिस्सा है तेरा, जाने क्या तुझसे रिश्ता है मेरा। मुझ में ही कोई हिस्सा है तेरा, जाने क्या तुझसे रिश्ता है मेरा। आजा हरफों के जैसे तुझे लिख लूं, तेरे होठों से लफ्जों सा निकलूं, रूह से रूह जरा चख लूं, आजा दिल की जगह तुझको रख लूं, यूं ही अक्स मुझ में दिखता है तेरा, जाने क्या तुझसे रिश्ता है मेरा। ये दूरियां मिटा हम दम, मजबूरियां मिटा हम दम, तेरी सांसों में निगाहों में मुझे रहना सदा। ये दूरियां मिटा हम दम, मजबूरियां मिटा हम दम, तेरी आँखों में बना हो मैं मुझे जैसे बिखरी हो फूलों पे शबनम, जैसे पाया हो जख्मों ने मरहम, आजा मोती सा तुझको संभालू जरा, तुझे पलकों पे अपने सजा लूं जरा। दिल के वरकों पे किस्सा है तेरा, जाने क्या तुझसे रिश्ता है मेरा। मुझ में ही कोई हिस्सा है तेरा, जाने क्या तुझसे रिश्ता है मेरा। बस तू सालों तक ऐसे ही ना यहाँ की बिजली ठीक करता रहे, तेरी वाइफ पर्दे बदलते रहे और बच्चे और मैं खेलते रहे ना, ऐसा ही सोच रहा है ना। बस इसको अपना ही घर समझ, सब सेट सेट। अरे ये मेरी ट्यूबलाइट क्यों खराब कर रहा है? अरे खराब नहीं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। खराब थी, खराब थी वो, देखो ठीक हो गई। खराब कर दूं वापस? नहीं बोल रहे। सुन जी। बोलिए। घर में अंदर 5 ट्यूबलाइट और खराब हैं, ठीक करवा देना। लड्डू 5 और ठीक करने ट्यूबलाइट, आजा पानी पी के ठीक करते हैं बेटा। आजा आजा। तो नॉर्मल ही है भाई साहब, नॉर्मल है। हाँ हाँ नॉर्मल ही है, आइए। बड़ी खुशी हुई है इनके लिए, लड्डू लाया है। क्या ये? कोट कोट मुझे नहीं पहनना है, कोई जरूरत नहीं है। इतने प्यार से लाए हैं, पहन के तो देखिए। नहीं बोला, तुझे समझ में नहीं आती है एक बार में बात? देखिए शाम का वक्त है, पहनना है तो पहन लीजिए, बार बार नहीं पूछेंगे। पहनना है? ला दो, पहनता हूँ। देखा बाबू जी कैसे सेट हो गए। अरे भैया क्या जादू कर दिया आपने। अरे इन जैसों के रग रग से वाकिफ हूँ मैं। इतने सालों बाद अच्छे लग रहे हो।
ऐसे क्यों नहीं रहते हरदम? ठीक करो थोड़ा करूं? तू लाली पे कभी हाथ तो नहीं उठाएगा ना? कभी भी नहीं। प्रॉमिस है? जी। ठीक है बेटा, इसका बाप महान है ना, तो अब देखो मैं डबल महान हूं। उसने हमारी बेटी को अपनी बेटी बना रखा है, तो आज से उसका बेटा मेरा बेटा है। करेक्ट डिसीजन, करेक्ट। पैर छू, तू डायरेक्ट पैर छू ले बेटा, पैर छू। क्योंकि अब देख मैं क्या करने जा रहा हूं तेरे लिए। अब देखता हूं मैं वो मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी से कैसे नहीं करता है। हेलो प्रमोद जी। हाँ गणपत जी, कहिए कैसे याद किया? नहीं बस इसीलिए फोन किया कि आपको बताना था कल हम आपके घर आ रहे हैं, कुछ बातें करनी है आपसे। हम तो रामनगर में हैं, लाली की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। मैं मानता हूँ अगर आपने लाली के लिए लड़का देखा है तो बहुत अच्छा लड़का देखा होगा, लेकिन क्या है कि राधिका और मैंने एक लड़का देखा था जो हमें बहुत पसंद आया। हमारा कहना है कि आप एक बार उससे मिल लें तो हमारे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग रामनगर आते हैं। हाँ आइए। नमस्कार। क्या हुआ, क्या कहा गणपत जी ने? लाली के लिए उन्होंने एक लड़का ढूंढा है और शादी की बात करने के लिए यहाँ आ रहे हैं रामनगर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम चिंता मत करो, आने दो उनको, मैं वीर को बोलता हूँ, वो ले आएगा उन्हें स्टेशन से। बोलता कम है गोली ज्यादा। वैसे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बड़ौदा से आ रहे हैं। अरे वाह, लगता है किसी की शादी में जा रहे हैं। किसकी शादी में जा रहे हैं? हमारे बेटे लड्डू की शादी हो रही है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वीर। हाय। मेरी भी शादी अभी अभी पक्की हुई है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जब शादी पक्की हो जाए तो मिठाई जरूर खिलाना। जरूर जरूर, मेरी पक्की होने की मिठाई। देख रहा हूँ, मिठाई साथ लेकर घूमता है। बाय द वे, मेरी होने वाली बीवी भी बड़ौदा ही रहती थी। अच्छा, क्या नाम है इसका बेटा, क्या नाम बताया? लाली। लाली, लाली, लाली। जितना खूबसूरत नाम है उतनी वो खूबसूरत दिखती भी है। ये देखिए। लाली की शादी में लड्डू हुआ दीवाना, लाली की शादी में। आप लोगों का सामान रखवाता हूँ, उसके बाद मैं इलाका भी दिखाता हूँ। कबीर जी, आपने उनको। हम लोग पहुँच गए क्या? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि हम दुश्मन के इलाके में सेटल हो गए? घड़ी घड़ी गोली चला रहा हवा हवा में। देखो, दुश्मन पे हमला करने से पहले उसका घर अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। और वैसे भी एक दिन के होटल के पैसे बच रहे हैं, आज रात को यही डिनर करेंगे। हाँ। कल सुबह जाएंगे होटल। तो हमला करोगे आप उस पर? मैं कुत्ते की तरह घसीट घसीट के मारूंगा उसे। और कुत्ता बोल रहे हैं आप उनको? देखिए भाभी, दुश्मन के भाई साहब, आपने सुना इन्होंने क्या कहा? आप सब हमारे भाई आ जाते, वहीं बैठकर बातें कर लेते थे। बोले बोले बोले, आप बोले। तो कौन है लड़का? लड़का फोटो फोटो लाए, फोटो दिखाई ना। अरे महाराज, पहले बोतल तो फोटो। ये बाल है, आंख है लड़के का, ये नाक है, आजकल इसी से सांस ले रहा है। ये देखिए संपूर्ण फोटो, सच क्यूट बॉय। इस लड़के के बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं? हम आप ही से पूछ रहे हैं। जैसे हमारी लड़की आपकी बेटी हो गई, वैसे आपका लड़का हमारा बेटा हो गया। वाह, नेशनल इंटीग्रिटी। हम हमारे बेटे की शादी का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लाए हैं। माफ कीजिएगा, इस लड़के के साथ हमारी बेटी की शादी नहीं हो सकती। पुन्नू यार, तू किस 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 किस, इधर देख, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या खराबी? भाभी जी आप देखिए, क्या इस लड़के का बाप चोर है? इसके बाप दादा जो थे डकैत थे या नाना नानी लठैत थे? बाप दादा दादी सब अव्वल नंबर है।
और नाना नानी? हाँ, नाना नानी भी अव्वल नंबर है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस लड़के में है। हाँ तो इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। करेक्ट। वो तो आपको देखकर पता चल ही गया। चलो अनुराधा। अरे पुन्नू यार, ये ऐसे नहीं है भाभी जी, ये सिर्फ दिन में पीते हैं। अरे यार, फ्यूचर बच्चों का समझ नहीं रहे हो तुम लोग यार। बड़ा ही जिद्दी आदमी है बॉस ये। अगर ये जिद्दी है ना तो मैं महाजिद्दी हूँ। तो एक काम कर, तू जा किसी और लड़की से शादी कर ले। ये क्या बात कर रहे हो आप डैडी जी? मैं लाली का बाप हूँ ना, मैं कह रहा हूँ तू जा किसी और लड़की से शादी कर ले। आपका ना दिमाग खराब हो गया है। अरे मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया है, मुझे इस प्रमोद का दिमाग खराब करना है। जब उसके दिमाग में सुरसुराहट होगी ना, तब जाके उसे अकल आएगी। मैंने प्लान बनाया, लेट्स फॉलो द प्लान। क्या बात है, कैसे हो? क्या चलाते हो तुम यार? अरे बचपन से यार। अच्छा सुनो, तुम कंफर्टेबल हो ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सुनो, कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताना। जरूर जरूर। आखिर तुम लाली के पापा के दोस्त हो यार, और लाली के पापा तो अब मेरे पापा हुए ना? हाँ, वो लाली के पापा नहीं है। पता है यार, वो लाली के पापा नहीं है, वो उस कमीने के पापा है जिसने लाली को धोखा दिया है। देख यार फिर, चल छोड़ना, चल रहने देना। नहीं लटू, बस एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं अरे सॉरी यार, इमोशनल हो गया। कोई बात। अच्छा सुन, तुम भी तो बड़ौदा के हो ना? हाँ। तो वो कमीना भी तो बड़ौदा का है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, जैसे हमारी शादी हो जाएगी ना, तो मैं तेरे साथ बड़ौदा जाऊंगा। क्यों? उस कमीने को मारने के लिए? नहीं नहीं, लेकिन क्यों यार, मतलब नहीं। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं। हाँ हाँ, पक्का? पक्का। लड्डू, थैंक यू, थैंक यू यार, आज से तुम मेरा पक्का दोस्त है। आ जाओ आ जाओ। अच्छा एक बार बताओ लड्डू, तुम्हारी तो शादी तय होने वाली थी ना? बात चल रही है फिलहाल। अच्छा अब तो बता दो यार, लड़की कौन है? नहीं कोई बात नहीं, जब शादी तय हो जाएगी तो बता देना। लड़की तो अच्छी होगी, शादी में जरूर बुलाना। लड्डू, आप कौन? सोचो। अरे पलक, पलक आ गई तू, आ गई आ गई आ गई। जीती रहो जीती रहो जीती रहो जीती रहो। सुनो बेटा, ये पलक है और इसको मैंने खास तौर से तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया है। और हमारी शादी होगी। शादी? हाँ। सुनो, उससे पहले एक छोटा सा अफेयर भी होगा। अरे और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ ना तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। इस आदमी की सबसे पहले तो इस आदमी को ठीक करो। बजा भाजा। हाँ क्या है? क्या आप भी कुछ भी लगा करके क्या कर रहे हैं आप? क्या आप शादी करा रहे हैं, अफेयर करा रहे हैं? मैं अफेयर नहीं करा रहा हूँ, शादी भी नहीं करा रहा। ये लड़की जो है ना, ये मेरे दोस्त की बेटी है। ये? हाँ, एक्ट्रेस है ये। हाँ, एक्टिंग करेगी अब ये। हाँ, और उसके साथ एक्टिंग करेगा ये। ये प्यार की एक्टिंग। जब तेरे बाप को पता लगेगा ना कि ऐसी लड़की से शादी कर रहा है, भागा भागा आएगा एकदम से। समझ गया? तेरी शादी कराएगा लाली से। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं तो समझ ही रहा हूँ। लड्डू, तुम्हारी कहानी कुछ टेढ़ी मेढ़ी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है पलक, लाली मुझे माफ करेगी? जरूर करेगी। देखो, अब मुझे ऐसा लगता है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को कितना भी हेट करे, वो दूसरी लड़की साथ देखे ना तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, और इसलिए शायद चाचू ने मुझे तुम्हारे साथ चिपकाया। पुन्नू, देखो कौन आए, भाई आए। अरे भाई साहब नमस्ते, आइए ना बैठिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, टाइम की क्या बात है, इतनी दूर से आए, 10 मिनट बैठेंगे, दोस्त है हमारा, मैं तो बैठूंगा। तो बैठ जाओ, इतनी दूर से चल के आए, एक कप चाय भी नहीं पियेंगे? बिल्कुल पियेंगे भाई साहब, चाय तो पी कर जाइए, बैठिए ना। उन्हें चाय मत ऑफर करो, उन्हें खाली कप पकड़ा दो, वो अपनी चाय खुद लेकर आते है ना। भाई साहब देखिए, ये हमारे खानदानी जेवर हैं, अब सब लाली के हैं, देखिए ना। लाली पे अच्छे लगेंगे ना? हाँ बहुत अच्छे लगेंगे। पुन्नू, दुनिया को छोड़, इनकी सुन,
बंद करो अखबार। मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने आया था जी। आप लोगों को मालूम है मेरा एक बेटा है लड्डू, मैंने उसकी शादी तय कर दी है। मुबारक हो। अरे किस बात की मुबारक भाई, मालूम है किससे शादी कर रहे हैं? आर्टिस्ट है आर्टिस्ट, घर में तबला बजेगा। हाँ तो बजे ना तबला। हाँ बजे, लड्डू मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूँ, मेरा हक बनता है उसका तबला बजाने का और मैं तबला बजाऊंगा। और देखिए भाभी जी, आप जरूर आइएगा शादी में। गुनू फिर शुरू कर दी। अब देखना वो प्रमोद आएगा मेरे पास बात का हुआ मिलना। सुनिए प्रमोद जी आ गए। हैं? पुन्नू आ गया। हाँ। पढ़ाई ढीठ है, माफी मांगने आ गया। देखो आओ आओ सब लोग आओ। पुन्नू यार मान गया यार, कसम से आई एम प्राउड ऑफ यू, यू सरप्राइज सरप्राइज। इनसे मिलो, ये लेटेस्ट बहू है इनकी। हाय। आ बेटा इनको छोड़ दे तू। सॉरी। तुरंत ऑस्कर लेने पहुंच जाती हो। सॉरी बोला ना। सैड। अरे ये कोई बात करोगे या बस स्टॉप पे खड़े रहोगे? कैसे आना हुआ पुन्नू, पूछ रहे कैसे आना हुआ? मैं माफी मांगने आया हूँ। मैं आपके बेटे की शादी में हाजिर नहीं हो पाऊंगा। क्या बात कर रहे हो, बहू बुरा मान जाएगी क्या? हाँ, है हाँ। उसी दिन उसी समय और उसी जगह मेरी बेटी की शादी है। हाउ स्वीट है ना। तो आप सबको सपरिवार आमंत्रण है, आप सबको आना ही है हा? और कबीर तू जल्दी आ जाना। चलो आता हूँ। और बनाओ प्लान। चाचू सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। चाचू वीर के यहाँ शादी की तैयारियां शुरू भी हो गई। अरे हम यहाँ खड़े खड़े हंस रहे और वहाँ लाली की शादी कहीं और होने वाली है। मुझे पहले ही मालूम था इनसे अच्छा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन काम खराब जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी। भगवान जो करता अच्छा ही करता है। चाचू तो अटक गया, अब तू डायरेक्ट जा लाली के पास, उसकी जो सबसे पसंदीदा चीज है वो जा करके उसको दो। देखना इसको देखते ही उसकी लव स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाएगी और तुम्हारी लव स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड में चली जाएगी। बैठिए जी। सर आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? जी नहीं नहीं शुक्रिया। ठीक है। अरे लड्डू, ये लाली हैं, इनसे हमारी शादी हो रही है, और ये लड्डू हमारा प्यारा दोस्त है। वीर कैसे हो तुम? बढ़िया। लाली इनकी भी शादी अभी पक्की हुई है।
तो मैं तुम्हें फार्म हाउस दिखाऊं? हाँ चलो, प्लीज कम। अरे लड्डू, आज मेहंदी की रस्म है, फार्म हाउस पर तुम अपने सभी रिश्तेदारों के साथ आना। क्या हुआ, कहाँ घूम रहा है? गिफ्ट दिया? नहीं। क्यों नहीं, क्यों? वीर सही बंदा है यार, लाली खुश है उसके साथ तो हम भी खुश, हमसे तो अच्छा लड़का मिला है उसको। ना ही हमारे पास घर है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना नौकर चाकर है, ना ही हमें घोड़े पर बैठना आता है। ये 50 रुपए के ऑटो रिक्शा के साथ कब तक कटेगी लाली की जिंदगी? तू ना पूरा मैच का आखिरी ओवर है और तू विकेट छोड़ रहा है। नहीं पागल है, तू 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 तेरी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, तू बाप बनने वाला है। उस बच्चे के बारे में सोचो। उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ भाई जी, उस बच्चे के बारे में भी सोच रहा हूँ। बच्चे के बारे में सोच, मतलब भाई जी क्या? ये स्कूटर रख लीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीर ने हमें आप दोनों के बारे में बताया, सोच रहे थे कि लाली और वीर के साथ साथ आप दोनों की भी शादी करवा दे उस मंडप में, क्यों? जी रानी माँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, आप बातें कीजिए, हम आते हैं। हाँ जी। लड्डू यार, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सुनिए जी, आप रानी माँ के अलावा कुछ बोलते हैं? देखिए रानी माँ की कही हुई बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तो इसका मतलब लाली से शादी कराने के लिए भी रानी माँ ने ही बोला है? पहले रानी माँ ने पसंद किया, लेकिन अब मैं भी उन्हें पसंद करने लगा हूँ। बहुत अच्छी लगती हैं वो मुझे। Are you happy? Stop irritating me. मुझे लड्डू ने सब बताया है। देखो तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन एक जगह तुम गलत हो। शायद तुमने लड्डू को समझने में थोड़ी भूल की है। लाली, किसी का खोना किसी का पाना होता है। एनीवेज, थैंक्स एंड टेक केयर। सॉरी सॉरी सॉरी। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा लड्डू। खुश हूँ। एक बात करूँ? बोलो। तुम एक लड़की के दिल को नहीं समझ पाए। बात मत करो उस लड़की के बारे में, वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए आउट है, हमेशा के लिए। तुम सच में एक लड़की के दिल को नहीं समझ पाए। मैं अपनी बात कर रही हूँ। Will you marry me? फिर से ड्रामा। Will you marry me? मानो या ना मानो, अरे मानो या ना मानो, बराबर लड़ूंगी इलाहाबाद।
जाना। अरे जिठनी जी का शॉपिंग जाना, मैं बंद कर रोंगी मानो या ना मानो। सुबह 4 बजे का मुहूर्त है, कुंवर साहब का अभी तक कुछ पता नहीं। जरूर कोई गड़बड़ मुझे भी दिखाई देती है। मानसिंह जी। जी रानी माँ। आप अपने आदमी को ले जाइए और कुंवर साहब जहां भी हो जैसे भी हो यहां ले आइए 4 बजे के पहले पहले। चलो। पंडित जी। जी। आप शादी की तैयारियां करिए। चलिए। 4 बजने वाले, मुझे बात करनी है प्रमोद से। कौन से प्रमोद? अरे उनसे। 4 बजने वाले, मुझे बात करनी है, मुझे इससे बात करनी है, इस आदमी से बात करनी है। नहीं मुझे इस... भाई साहब मेरे साथ बात कर लीजिए, उधर चलते हैं। आपके साथ बात नहीं करनी है, मुझे इससे बात करनी है। भाई साहब आप, ये बाप है ये समझेगा मेरी बात, तो रुकना 1 मिनट, समझेगा ये। प्रमोद जी आप बहुत समझदार आदमी हो, आप बाप हो, आप समझोगे मेरी बात। ये है मेरे साथ, ये राधिका है, ये और मैं 2 in 1। हमारी जिंदगी में लाली आई, हम 3 in 1 हो गए। एक दिन लाली चली गई, हम वापस 2 in 1 हो गए। लेकिन अब इसको कुछ हो गया तो मैं तो 1 in 1 ही रह जाऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं? नहीं मतलब अगर मुझे कुछ हो गया तो तू 1 in 1 रह जाएगी भाई। अब समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। लाली ये मैं 3 in 1, लड्डू हमारी जिंदगी में आ गया तो हम 4 in 1, और आप दोनों अगर हमारी जिंदगी में आ गए तो 1 in 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं प्रमोद जी की बेटी से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मुझे जरा अपनी बेटी से थोड़ा बात करनी है। जी चाचू। मैं कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया हूं, मैं ये खाली ये कहने आया था कि 40 साल हो गए मेरे को शराब पीते पीते, बहुत शराब पी है मैंने, आज भी पिए, पर आज छोड़ रहा हूं मैं बस छोड़ दिया आज के बाद शराब। मैंने बहुत गलत काम किए जिंदगी में, लेकिन झूठ नहीं बोला है तो यकीन कर सकती है मैंने शराब छोड़ दिया इससे। बस और क्या कहना था, हाँ एक बात और कहनी थी, बैठ जाऊं मैं। मैं ना बड़ा ही कमीना आदमी हूँ, बड़ा मुश्किल है मेरे जैसे आदमी के साथ रहना, लेकिन तेरी माँ रही मेरे साथ। पता है क्यों रही?
क्योंकि तू थी हमारे बीच में। तूने सही कहा था, एकदम सही कहा था। तू माँ जैसी बिल्कुल नहीं है। मैंने हाथ उठाया तेरे पे, मुझे माफ कर देना। उस दिन हाथ उठ गया था मेरा, तो घर छोड़ कर चली गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पर तू गई तो सब बिखर गया लाली। तेरी माँ बहुत अकेली रह गई। मैं तो अगर था ही नहीं उसकी जिंदगी में तो मेरा क्या। पर वो बेचारे, हाँ पर वो लड्डू आया ना तो वो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। उसने घर की सारी ट्यूबलाइट ठीक कर दी, सफाई भी करता है। मेरे लिए कोट लेके आया, तेरी माँ के लिए एक साड़ी लेके आया। बहुत प्यार करता था ऐसे, बहुत। लाली वो मेरे जैसा नहीं है। मेरी ना माँ कहा करती थी कि जिसकी खुद की झोली खाली हो वो दान क्या देगा, और जिसके खुद के दिल में अपने ही लिए प्यार ना हो वो किसी और को प्यार क्या देगा। तू तो जानती है ना तेरा सच्चा प्यार क्या है। बाकी तो तू है ही समझदार, तो अपने आप समझ ही जाएगी। इसमें ये कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। पापा, ये तो 5-in-1 हो गए। तू बेटी हिलना नहीं है, मैं तेरी माँ को बता के आता हूँ। राधिका, झरने क्यों फूटते हैं, नैनों के पोखर क्यों सूखते हैं, अश्कों में सपने बह जाते हैं क्यों, वादे अधूरे रह जाते हैं क्यों। क्यों होता है एहसास खोने का, क्यों होता है मैं जानू ना, क्यों होता है गम किसी के खोने का, क्यों होता है मैं जानू ना। उलझी सी एक डोर है कोई, खामोशी में शोर है कोई, किसको ये बतलाए क्या दिल पूछे अब मेरा। सांसें बेगानी हो गई है, धड़कन पर आई सी लगे, ओ सारी फिजाओं में यहाँ अब कोई रुसवाई सी लगे। ख्वाबों के मोती क्यों टूटते हैं, खुशियों के मौसम क्यों रूठते हैं, बिन बोले नैना कह जाते हैं क्यों, अल्फाज होंठों पे रह जाते हैं क्यों। क्यों होता है एहसास खोने का, क्यों होता है
जानू ना क्यों होता है हम किसी के खोने का क्यों होता है मैं जानू ना जाओ डॉक्टर सक्सेना को बुलाओ बोलो लेबर पेन है ठीक है आप सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है बाहर बता दो अभी के अभी डिलीवरी करवानी पड़ेगी लाली कैसी है लड्डू लड्डू अपने आप को संभालो कुछ नहीं होगा मुबारक हो अरे और लाली लाली भी एकदम ठीक है मुबारक हो बेटा चलो बधाई हो लाली भी ठीक है देखा लड्डू अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे वो रानी माँ हम लोग कुछ बात करने के लिए बातें करने के लिए पूरी दुनिया तुम्हें ढूंढ रही है सबके फेफड़ों में उथल पुथल मची और तुम लोग बातें कर रहे हो रानी माँ कैसे भी छठी से पहले यह विवाह हो जाना चाहिए नहीं पंडित जी ये विवाह आज ही होगा अभी 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 तो समय नहीं बचा है और मुहूर्त का वक्त भी निकलता जा रहा है आधा घंटा बचा होगा मुश्किल से तो फिर ठीक है आधे घंटे में विवाह होगा चलो हमारे साथ चलो रानी माँ कब तक पत्थर बने खड़े रहोगे तुम लोग आपस में ऐसे ही कब तक कमाल है यार छोटी सी जिंदगी च्युइंगम की तरह खींच दिया है 5 फुट का इंसान 50 फुट का ईगो कोई एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है उस बच्चे से सीखे शिक्षा देने आया मैं मौत के मुंह से लड़के आपको आपको आपको
क्या गणपत, कब बात करोगे यार? बात निकल जाएगी आगे तब। मैं क्या बात करूंगा भाई, मैं तो खुद गर्ज आदमी हूं, मैं क्या बात करूं। मैं लड्डू की शादी कराने थोड़ी ना आया था, मैं यहां सिर्फ इसलिए आया था ताकि एक मौका मिल सके मुझे लाली से मिलने का। लाली तो पता नहीं मिली नहीं मिली, लेकिन हाँ एक बेटा जरूर मिल गया है। ये देखो इसको, लगा हुआ है गधे की तरह अपनी गलतियों को सुधारने में, जी तोड़ मेहनत कर रहा। कोई फायदा नहीं है बेटा, कोई फायदा नहीं है। कबीर सही बोलता है, यहां 5 फुट के लोगों का 50 फुट का ईगो होता है। होता है 50 फुट का ईगो। एक बाप का होता है 50 फुट का ईगो। जब कोई बाप बनता है, अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाता है, तो उसे जिंदगी जीने की दूसरी ताकत मिलती है। वो अपनी सारी नाकामियों को भूल जाता है। ये सोचता है वो कि जो वो बन न पाया, जो उससे हो न पाया, वो बेटा करके दिखाएगा। उसकी नजरों के सामने वो बेटा बड़ा होता है, और साथ साथ उसकी आंखों में उसके सपने भी बड़े होते जाते हैं। और फिर वो बेटा जब अपने बाप से कहे कि तुमने जो करना था वो कर लिया, अब मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करो, रहना है तो रहो वरना जाओ अपने घर वापस, हाथ उठाता है अपने बाप पे, बेटा तब उस बाप का ईगो होता है 50 फुट का, 500 फुट का होता है, और उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ नहीं। प्यार करना हमें शायद कभी आया ही नहीं, बस यूं ही एक अलहड़ की तरह अपनी मनमानी करता रहा, बिना ये जाने कि अपनों को कितना दुख पहुंचा रहा था। और जब आंखें खुली तो देर हो गई थी। कोई हक नहीं है हमें किसी से माफी मांगने का, कोई हक नहीं है हमें लाली से शादी करने का, कोई हक नहीं है हमें बाप बनने का। पापा, हम टाटा बिरला और अंबानी बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। अब जो कुछ भी फैसला कर रहे हैं एकदम अच्छा कर रहे हैं, मगर आपने तो कहा था ना पापा कि कभी भी कुछ भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, सीधा मेरे पास आ जाना। मैं आपके पास आया हूं पापा, मैं बहुत तकलीफ में हूं पापा, मुझे बचाइए पापा। चलिए आओ बेटा, आओ। बहुत प्यारा है ना? अनु, सुन रहे हो? ये देखो किसे ले आया। की बचा है बस। हाँ हाँ। मम्मी, बधाई हो, बधाई हो। मुबारक हो। भाई सबको बधाई हो। आपको भी। हाँ। तुम्हारे जैसा बेटा। अच्छा मौका है, ट्राई कर लूँ। हाँ बात करो भाभी जी से। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, इतना अच्छा मौका है तो एक जूस का ग्लास भी नहीं पी सकते क्या यार? Thank you.
उसने हाथों में लिया। आओ देखो अनु। अरे भाई हम भी तो देखे इसे। देखो तुम्हारा भाई और पोता। कुछ होना हो इसका सर तो मेरे ऊपर गया एकदम। और बाकी सब कुछ तेरे पे। मुबारक हो नानी बन गई हो तुम। अरे तुम भी तो नाना हो गए। हाँ मैं तो नाना हो ही और ये दादी बन गई और मैं दादा बन गया। तो, तुम्हें क्या कहा जाएगा? मुझे वो दादी माँ रानी माँ आ गई। चलो पर विधि विधान का तो समय कहाँ बचा अब? विधि विधान नहीं मांग भरो वीर। अरे एक मिनट ये क्या सब? एक मिनट पापा, जो कुछ भी हुआ है उसमें वीर की कोई गलती नहीं है। सॉरी लड्डू। मांग भरो। अरे तुम रुक गए, क्या कर रहे हो वीर? समय बस रानी माँ, आई एम सॉरी लेकिन आज आपकी ये बात नहीं मान सकता। एक प्यार करने वाला इंसान कभी भी दूसरे के प्यार को कैसे छीन सकता है? अरे यहां पे फैमिली बन चुकी है और आप चाहती है फैमिली को अलग कर दूं, तोड़ दूं और खुद की फैमिली बना लूं। नहीं रानी माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मेरा क्या है रानी माँ, पंडित जी हैं आप हैं, कोई दूसरी लड़की पसंद कर लेंगे। और हाँ सुन लड्डू, तूने लाली को जितना दुख देना था दे दिया, अब दिया तो वहीं पे आके मारूंगा, समझा? पता है लाली, जिन आंखों में मैं अपना प्यार ढूंढ रहा था उन आंखों में मुझे लड्डू का प्यार दिख रहा है। लड्डू वीर, लड्डू को सिंदूर का डब्बा दे दो। दिन में ही बैठे टूटा दिलासा देखे जान ले गया, रोग जाने कैसा ये अनोखा दे गया, मुझ में ही रह के दिल ये धोखा दे गया।
मुझको बतलाए हर घड़ी अब तू ही नजर आए। हो जाने कैसा मंजर है ये, ख्वाहिशें मुझको भरमाए मेरे कदमों को यूं बहकाए। ये अनोखा दे गया मुझ में ही रह के दिल ये धोखा दे गया।